हालेलुया, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है बुद्धि की बातें, जैसे नीति वचन एक अध्याय उसके एक तो आयत में लिखा, दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। हालेलुया। मेरी प्रियो, वचन में लिखा है कि सुलेमान कहता है कि नीति वचन पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। यह चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, शैतानी बुद्धि की बात नहीं कर रहा। यह जो बुद्धि है जो उस विश्वासी के अंदर होती है जो वचन पढ़ता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें याद करवाएगा कि तुमने क्या बोलना है, और पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर से बोलेगा जब तुम वचन पढ़ने वाले होंगे। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए प्रधान याजक और लोग उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि यीशु मसीह हमें कर देना चाहिए या नहीं, अगर यीशु मसीह बोलते कि देना चाहिए तो सारे इस्राएल प्रभु से नाराज हो जाते कि प्रभु यीशु मसीह एक इस्राएल होकर उन रोमियो की तरफ है जो उन पर कर का बोझ डालते थे। अगर कहते कि नहीं देना चाहिए तो प्रधान याजक राजा को चुगली करते कि देख यह लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहा है, और प्रभु को पकड़कर राजा के पास ले जाते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सिक्का दो। उन्होंने पूछा कि इस पर मोहर किसकी है। लोगों ने कहा कि कैसर की। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो राजा का है वो राजा को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। जो बुद्धि का वरदान उनके पास था इसीलिए वह उनको पकड़ न सके। याद रखे, आपको लोग फंसाने के लिए आएंगे। आप हाँ करेंगे तो भी मरेंगे, ना करेंगे तो भी मरेंगे। जब आप ऐसे हालात का सामना कर रहे हो तब हाँ या ना नहीं वचन काम करने वाला है। हर एक चीज जो वचनों के खिलाफ चलने के लिए बोले वह शैतानी है। आप हाँ करोगे मरोगे, न करोगे तो मरोगे, लेकिन अगर वचन आपके अंदर होगा तो आप जियोगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि उसके वचनों से भी जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने फिर उन्हें फंसाया। यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या मनुष्य से था। अगर सदूकी और फरीसी लोगों के सामने बोलते कि प्रभु की मर्जी से था तो फिर भी वह फंसते कि फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। लेकिन अगर वो कहते कि प्रभु की ओर से नहीं तो लोग उनके खिलाफ हो जाते, क्योंकि वह इस बात जानते थे कि यूहन्ना प्रभु की ओर से था, और लिखा है कि वह इस बात का जवाब न दे सके। मेरे प्रियो, जब आप वचनों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका विवेक काम करने लग जाता है और आप बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करते हैं जो आपके विवेक को मजबूत करता है और आपको पाप से बचाता है। वचन परमेश्वर के गहरे भेदों को आपके ऊपर जाहिर करता है। इसीलिए रोज वचनों को पढ़ें ताकि परमेश्वर की बुद्धि और ताकत आप में वास कर सके और शैतान आपको भरमा न सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपके वचनों को पढ़ सकूं और आपके भेदों को जान सकूं। परमेश्वर, आपकी स्वर्गीय बुद्धि मेरे अंदर आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जय मसीह की सबको।